हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन मैं हूं आपकी मिनटॉल ऋतिका और आज लेकर आई हूं आरबीआई ग्रेड बी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी ऑफ हंड्रेड डेज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हंड्रेड डेज कैसे एग्जाम की डेट आ गई क्या नोटिफिकेशन का तो पता नहीं है अभी देखिए वी नॉट कंट्रोल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन बट वी नो टेंटेटिवली हमारा पेपर कब होने वाला है तो हम राधर देन थिंकिंग पेपर कब होगा हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं फुल प्रूफ कर सकते हैं जो टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं तो उसी चीज को ध्यान में के मैं ये वीडियो आपके लिए आज लेकर आई हूं मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूं जो आप मिस नहीं कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग और इट वुड बी बे बेटर चाहे आपने कोई कोर्स लिया है या खुद से प्रिपेयर कर रहे हो अगर अपनी स्ट्रेटेजी में ये चीजें आपकी कवर हो रही है जो मैं आज बताने वाली हूं तो बहुत अच्छा रहने वाला है ठीक है तो मैं आगे बढ़ू इस वीडियो में छोटी सी वीडियो रखेंगे लेकिन अटेंशन चाहिए होगा आपका मुझे ठीक है एंड तक बने रहना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच में फिर छोड़ दोगे तो फिर शुरू में भी मत सुनो कोई लॉजिक नहीं है उस बात का ठीक है जो शुरू किया खत्म करना बनता है ना तो आ, अच्छे से सुनना आई एम श्योर मैं आपको इंश्योर कर रही हूँ जो आप मुझे समय देने वाले इस वीडियो में वो बहुत बहुत काम आएगा आपको ठीक है तो आगे बढ़ो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से अगर अब तक हमारा चैनल ही नहीं सब्सक्राइब किया था तो जल्दी से कर दो ताकि ऐसी वीडियोज़ ऐसे सेशंस के नोटिफिकेशन आपको आते रहे तो डू नॉट फगेट दैट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन उसके अलावा हमारी एप्लीकेशन रहेगी तो फ्री कॉन्टेंट आपको मिलता रहेगा अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कोई कोर्सेज बाय करना चाहते हो तो अच्छे खासे ऑफर्स हमारे इस ऐप के थ्रू ही आपको मिलते हैं ठीक है चलो शुरू करते हैं जी फिर आज हंड्रेड डेज स्ट्रैटेजी को हंड्रेड डेज से ऊपर हो जाएगा तो आपके पास जितना समय बचा बहुत अच्छी बात है नहीं तो इस हंड्रेड डेज में आप प्रिपेयर हो जाओगे पेपर को फोड़ने के लिए ठीक है चलो स्टार्टिंग ऑफ ये हमारा एग्जाम का पैटर्न है बहुत ही बेसिक सी चीज है जस्ट एक रिमाइंडर देख की तरह आपको दिखा रही हूं फेज वन हमारा दो सौ नंबर का है जी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ठीक है जो जीए है आपका हाईएस्ट वेटेज के साथ आता है अस्सी नंबर की सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना है हमें हर सब्जेक्ट में नंबर चाहिए हैं बारह साढ़े बारह ये नंबर चल रहे हैं इनमें और जो बारह एक्चुअली जीए के थे हाँ बारह नंबर जीए के थे जो आपके सेक्शनल कट ऑफ के थे बाकी जो सेक्शन है उनकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं रहती है तो हमें ये वाला कट ऑफ क्लियर करना है प्लस ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है जो सिक्सटीज की रेंज में हम मान के चलते हैं आप एफर्ट मारोगे फेज टू तीन सौ नंबर का है जी

ये हमारे पेपर का पैटर्न है अब हम मानते हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं फेब्री के टाइम पे ठीक है मैं ये ज्यूम करती हूँ फेबर 2024 के टाइम पे अगर आप आगे वीडियो देखते हैं तो आप देख लेना डेज अराउंड अराउंड ही होंगे एक हफ्ता ऊपर नीचे ऐसे अपने आप करते रहना जितना जितना आप आगे वीडियो देख रहे हो फेबर से मैंने हंड्रेड डेज फेबर से काउंट किए हैं तो जो हमारी तैयारी है उसके ना कुछ पिलर्स हैं मैंने बड़ा ये ऐसे आपके लिए बनाया है कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कुछ चीज़ें जो आपको करनी ही करनी है कवर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश यू हैव टू बी गुड इन दीज यू कैन नॉट क्वालिफाई फेज वन इसके बिना है ना करंट अफेयर्स के बिना फेज वन या फेज टू कुछ नहीं निकाल सकते दोनों में आपके करंट अफेयर्स की अच्छी खासी वेटेज है और जो फेज टू का सिलेबस है ईएसआई और फाइनेंस का इवन फॉर दैट मैटर इंग्लिश में अगर ऐसे लिखना नहीं आता है आपको प्रेस ही नहीं आता है सॉल्व करना तो फायदा नहीं होगा कुछ खास तो ये चीजें अगर मैं बहुत ही अगर क्रिस्टलाइज करके बताऊं आपको ये आपको आना चाहिए इस पेपर के लिए जब आपको ये चीजें आ जाती हैं इसमें करना क्या है कंटेंट आप पहले उठाओगे जी हर चीज को कवर करोगे सिलेबस के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस के थ्रू आप हर चीज को कवर करोगे राइट इनको फिर उसके बाद में इतना इनफ नहीं है ये करके आपको एक्चुअली में जो पेपर में नंबर दिलाएगी वो है आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपकी आंसर राइटिंग की भी होनी चाहिए एमसीक्यू सॉल्विंग की भी होनी चाहिए एमसीक्यूज फेज वन में सॉल्व करने हैं चाहे क्वांट के हो रीजनिंग के हो इंग्लिश के हो जी के हो या फिर फेज टू में भी तो ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और आंसर लिखना भी आपको आना चाहिए बाय राइटिंग आई मीन टाइपिंग बाई डिफॉल्ट कीबोर्ड बोर्ड पर टाइप करना आना चाहिए प्रॉपर ऐसे कीबोर्ड पे पर लिखने ला बट नॉट द लैपटॉप

बट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ ये सब करने को तैयार हो तो निकल सकता है पेपर क्योंकि कितने सारे बच्चे हैं प्रिपरेशन शुरू करते हैं खत्म ही नहीं करते तभी मैंने कहा था शुरू में कि जो शुरू की है खत्म तो करनी है ना वीडियो तो एक एग्जाम्पल थी उसका तो जो आपने तैयारी शुरू की है वो खत्म कलमिनेट ही नहीं करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं जो चाहिए वो नहीं पढ़ते हैं अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनका बैलेंस कैसे बनाना है व्हाट टू स्टडी फर्स्ट व्हाट टू स्टडी नेक्स्ट प्रॉपर डे वाइज बताने वाली हूं आपको ठीक है लेकिन उससे पहले करंट अफेयर्स को थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी सिचुएशन है आ, इस पेपर में ऐसी सिचुएशन में आपको डाल देते हैं कि आपको लगता है कि यार ये नहीं हो पाएगा इसलिए अगर आप उसको समझ लोगे ना पहले ही प्रॉब्लम को तो फिर इजी हो जाएगा उसको सॉल्यूशन तो करंट अफेयर्स हैं जी आपके फेज़ वन में भी आने हैं फेज टू में भी आने एंड यू मस्ट है फेज़ वन फेज टू में जो करंट अफेयर्स है ना वो काफ़ी सारे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के होते हैं

पीएम लॉन्च की है है जीए का पार्ट तो है ही अभी आरबीआई ने कोई नोटिफिकेशन निकाला है, को तो वो तो जीए का है ही अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो जो, जो, जो ना तो आएगा ईएसआई में ना आएगा फाइनेंस में वो क्या है जी मैं इसको एक्सक्लूसिव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सिलेबस से कहीं रिलेट नहीं करेगा जैसे स्पोर्ट्स की न्यूज आ गई है ना कोई अवार्ड्स हो गए हो जाती है। वो होती ना जो सिर्फ फेज वन में काम आएंगे ये वाला अगर आप तीन चार महीने का भी पढ़ लोगे जस्ट बिफोर दी एग्जामिनेशन चल जाएगा हमारी वेबसाइट उठा तो लो हमारे सेशंस होते रहते हैं वो देख लो चल जाएगा काम आपका क्योंकि हमें 80 में से 80 नंबर नहीं लेने है ना? हमें मैक्सिमम स्कोर लेना है ये हमारा स्कोर ऊपर ले जाता है बट फिर भी हम वो करेंगे जो मैक्सिमम रिटर्न दे वो क्या देगा ये अंदर वाला पार्ट ई और फाइनेंस करंट अफेयर्स फाइनेंस करंट अफेयर्स की वेटेज एफएम के पेपर में है बहुत ज्यादा नहीं है मैं ये कहूंगी पांच दस नंबर आप मान लीजिए है ईएसआई करंट सौ नंबर में से हो रही है बात ईएसआई में मैं कह सकती हूँ अस्सी नंबर है आपके आराम से मान के चलो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव सब मिला के करंट अफेयर्स स्कीम्स रिपोर्ट से निकलेंगे

क्योंकि आप फेज टू के लिए पढ़ रहे हो इनडेप्थ पढ़ रहे हो तो ये फेज वन में भी ऑटोमेटिकली काम आने वाले हैं इनकी टाइम लिमिट मैं मान के चलती छह से नौ महीने बिफोर दी एग्जामिनेशन समझ में आया ये चीज अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप काफी क्लियर हो जाओगे कि करंट अफेयर्स कौन से करने हैं कितने मंथ्स के करने हैं फिर कहां से करने हैं ठीक है वैसे बताने भी वाली हूं आपको आगे तो ये जो करंट अफेयर्स हैं इनको मैं अब आपको बताती हूं मैं कौन से बताने वाली हूं मेजरली एस वाले

ठीक है गवर्नमेंट स्कीम्स जो न्यूली रिलीज हैं या फिर ओल्ड हैं लेकिन न्यूज में रही हैं मनरेगा जी इतनी पुरानी है आज भी न्यूज में रहती है पीएम जनमन अभी अभी लॉन्च करके हटे हैं तो कहने का मतलब है जो भी नई पुरानी स्कीम्स है वो आप कवर करोगे इसके अलावा जो पी आईबी न्यूज पेपर आरबीआई वेबसाइट इनमें न्यूज आती रहती है वो भी आप कवर करोगे टाइमलाइन सिक्स मंथ्स टू नाइन बिफोर द एग्जामिनेशन लेटेस्ट सिक्स मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन विच मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अपटिल योर पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है पहले से पढ़ते आ रहे हो अच्छी बात है नहीं तो कंपाइलेशन देख लेना पीडीएफ दे दूंगी मैं या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो वो देख लेना एक बारी सेशन देख लेना मैराथन हो जाएगा बट एक की है यहाँ पे ध्यान रखना ये जो सारी चीजें हैं ना कहीं ना कहीं सिलेबस से रिलेट करेंगी जैसे नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज कौन सी हो सकती हैं जो सिलेबस में दी हुई हैं आईएमएफ वर्ल्ड बैंक डब्ल्यू यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज ये सब मेंशन है ना रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में तो वो ज्यादा काम की हैं ठीक है नीति आयोग सिलेबस से, से रिलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिलेबस से, से रिलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलेट करती है आरबीआई की है, रिपोर्ट्स हैं ये सब आपको कवर करनी पड़ेगी आरबीआई तो अपनी खुद की सिलेबस में इन्होंने लिखा हुआ ये एस आई के आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट पढ़ो फाइनेंस एंड करेंसी रिपोर्ट पढ़ो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ो जो आपका वर्ल्ड बैंक निकालता है तो ये चीजें आपको कवर करनी है पेपर से पहले रिलीज हुई यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी रिपोर्ट ही है सरकार की ठीक है जी ये करंट अफेयर्स का मुद्दा हो गया जो आप अच्छे से कवर करोगे पढ़ते चलो सेशंस में पीडीएफ्स में अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो ठीक है अब जी चलते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन पे अभी तक ना आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है क्या क्या करना है अब जरा इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे ले चलते हैं तो, क्योंकि रिलेशनशिप को अब टॉकिंग स्टेज से आगे लेके जाना है ना टॉकिंग पे ही नहीं अड़े रहना तो ये टॉकिंग स्टेज से आगे चल रहे हैं जी अब हम ये क्या चल रहे हैं बातें करने के बाद मैं सौ दिन काउंट किए थे आप नंबर ऑफ डेज थोड़े थोड़े कम करते रहना जब हम आगे बढ़ रहे हैं अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो नंबर ऑफ आवर्स जो आपको डेली स्टडी करने हैं मैं एक्सपेक्ट करती टू आवर्स आवर्स नंबर ऑफ ऑन वीकेंड्स आप इंक्रीज कर दोगे सैटरडे और संडे डिपेंडिंग ऑन योर जॉब घंटे रिविजन में एक्सपेक्ट करती हूँ आप बहुत अच्छी करोगे तो पहले थर्टी डेज में आपको क्या करना है आइदर क्वांट और रीजनिंग में से एक सब्जेक्ट पिक कर लो बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको तीस दिन में आपको खत्म कर देना है रेफरेंस कहा से आएगा पीवाई से ठीक है कि यहां से रेफरेंस उठाना आपने करंट अफेयर्स तो आप डेली पढ़ोगे जो भी आपके सोर्सेस हैं और मैं सजेस्ट करूंगी फाइनेंस SI, कर है, है मैंने अगर थर्टी डेज में नहीं भी होगा दस दिन का ठीक है तो ये आपका फर्स्ट लेग ऑफ थर्टी डेज है जो आपको करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस या आपको क्या वीक लगते हो किसमें ज्यादा इनमें से एक सब्जेक्ट उठाओ करंट अफेयर्स तो चलता ही रहेगा एक बार शुरू किया खत्म नहीं होगा वो ठीक है, फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ के खत्म करो राइट फिर जो अगले दस दिन आएंगे, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे ये जो टेन डेज है आपके बफर एक तो कुछ दिन अगर यहां से बिगड़ गए तो यहां संभाल लेना पहले इसलिए लिखा है यहाँ पे डेविएशन अलाउड है बट इससे आगे नहीं जा सकती डेविएशन आपकी वो है ना कि डेविएशन आपको जो एफ आरबीएम एक्ट है वो कहती है कि आप डेविएट कर सकते हो गवर्नमेंट अपने टारगेट से बट रीजंस दिए हैं कि अगर कैलामिटी आ जाए वॉर हो जाए है ना तो ऐसी मैंने बोला कि कोई भी रीजन से चलो आप दस दिन का बफर ले लो इसमें कवर कर लेना जो पड़ा है उसको रिवाइज करना बहुत अच्छे से मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस को कंसोलिडेट करना और एक एक्स्ट्रा चीज करनी है इंग्लिश की प्रैक्टिस इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस बोल रही हूं मैं कैसे आप सीख लेना एटलीस्ट ट्राई टू राइट टू टू ईच आरसीज एंड सॉल्विंग द प्रेसी दो दो do की प्रैक्टिस करना ताकि प्रेशर ना रहे कि मैंने तो इंग्लिश कभी किया ही नहीं ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा अगर यहां पे ये संभाल लोगे तो इट इज नॉट अ टाइम टेकिंग प्रोसेस कर सकते हो आप आराम से ठीक है अगर ये यहां नहीं हो पाई लेट्स्यूम फिर वही है फेज वन निकालने के बाद करना पड़ेगा फिर उसके बाद मैं इस टाइम के बाद में सजेस्ट करूंगी बट कोशिश करना हो जाए नहीं तो बाद के लिए छोड़ सकते हो फिर आगे जी नेक्स्ट थर्टी डेज पे इसमें जो भी आपने ऊपर सब्जेक्ट किया था लेट से आपने क्वांट किया था तो आप रीजनिंग करोगे रीजनिंग किया था तो क्वांट करोगे करंट अफेयर्स फेस तो चलते ही जा रहा है रुकेगा ही नहीं ईएसआई एंड फाइनेंस ठीक है और जी अभी के लिए छोड़ सकते हो फेब्रवरी मार्च के टाइम पे

करंट अफेयर्स की कवरेज तो चलती ही जा रही है रुकेगी नहीं लेकिन रिविजन ऑफ जितना पुराना पढ़ चुके हो करंट अफेयर्स वो अच्छे से करना और जीए आप स्टार्ट कर चुके होंगे यहां पे क्योंकि मैं टाइमलाइन आपको पहले बता चुकी हूं तो इस वाले एरिया में आके आप जीए स्टार्ट कर देना ठीक है रिविजन ऑफ ई एस आई एंड एफ एम एक बार करके रिवाइज करके रख देना अगर लग रहा हो बहुत ज़्यादा प्रेशर है सब्जेक्ट से अभी कौन रीजनिंग इंग्लिश जी ए ही नहीं हुए हैं करंट अफेयर्स ही नहीं हुए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि फिर ज्यादा ई एस आई पे मत जोर देना लेकिन एफ एम तो एक बार रिवाइज कर ही लेना एंड मॉक टेस्ट ऑब्जेक्टिव ज्यादा लगाने पर आप जोर देना बिकॉज ऑब्जेक्टिव जो मॉक टेस्ट होते हैं आपके ये सिर्फ आपके टेस्टिंग के लिए नहीं होते दैट व्हाट स्कोर डू यू गेट आल्सो फॉर द कवरेज बहुत सारी चीजें हैं जो हम वहीं से याद कर लेते हैं वो आप करना और जीए और करेंट अफेयर्स करने का तो मेथड ये बहुत अच्छा है जैसे हमारा अगर कोई कोर्स है आपके पास तो उसमें मिलते हैं आपको मॉक टेस्ट करने के लिए ऑलरेडी नहीं तो बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं एवरी इंस्टीट्यूट आई एम टेलिंग यू लाइक यू नो ऑन बिहाफ ऑफ अस जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आप लोगों के भले के लिए थोड़ा स्मार्ट प्ले करना जितने भी आप देखोगे ना कोचिंग पे आप जाके सर्च करोगे ऑनलाइन एक एक दो दो मॉकटेस्ट फ्री मिलते हैं कर लेना उनको ठीक है और फिर बाय तो कोई ना कोई कर ही लेना हम तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे देते हैं जहाँ पे भी आपको मिले अच्छा सा ले लेना दिस इज हाउ यू हैव टू कंडक्ट योर सेल्फ इन द अपकमिंग डेज नंबर ऑफ आवर्स बता दिए नंबर ऑफ डेज बता दिए हाउ टू यूटिलाइज़ दोज डेज बता दिए और उन डेज के अंदर जो सब्जेक्ट है उनमें क्या क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है ठीक है स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू ई फाइनेंस करंट अफेयर्स क्योंकि की कौन रीजनिंग इंग्लिश में एक्सपेक्ट करती हूँ आप कैसे करोगे पी वाई क्यूज़ देखे टॉपिक्स उठाए उसके बाद उनकी कवरेज कर ली चाहे कोई बुक रेफर कर लो यूट्यूब वीडियो रेफर कर लो बट कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बाद प्रैक्टिस कर ली उसकी डन और हुआ कि नहीं अच्छे से कैसे पता चलेगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ठीक है तो दैट इज इट जो मैं आपको देना चाहती थी ये वाला वीडियो मैंने कहा था बहुत लेंदी नहीं होगा लेकिन ये प्लान है एक अभी ऐसा लग रहा है सच मानो जब इंप्लीमेंट करने जाओगे ये होने वाला है क्योंकि मेरे लिए बताना शायद आसान होगा आपके लिए सुनना भी आसान होगा पर जब करने जाओगे ना जोर लगेगा एफर्ट लगेगा क्योंकि अपने माइंड को सारी चीजों से हटा के एक लाइन में चलाना है तब क्या करोगे गेट इन टच विद मी गेट इन टच विद योर मेंटर्स, आई एम प्रियोर की बहुत सपोर्टिव मेंटर्स हैं आपके तो आप उनके साथ टच में रहिए मुझसे बात करना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए मैं ये वाला पी भी है पूरा का पूरा टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी रितिका चावला अड्डा ट्वेंटी ठीक है और खुद को मोटिवेटेड रखिएगा एक लाइन में तभी चल पाओगे जब दिशा निर्धारित हो पता हो कि मुझे वहीं पहुंचना है क्लैरिटी है तो कर लोगे हैंडल बाकी एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए यूट्यूब पे मैं रोज आती हूँ और मेंटर्स अच्छे आते हैं जो भी अच्छा लगता है आपको पढ़ाने के लिए एक बार कॉन्टेंट चेक करना उनसे बात करना अच्छा लगे तो फॉलो दैन दैट्स इट ठीक है ये मेरी आपको बहुत ही जेनविन सजेशन है ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हो एंड दैट शैल बी इट थैंक यू सो मच फॉर प्रिशियस टाइम आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा अगर लगा तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा और लिखिएगा दैट आई एम गोइंग टू रॉक आई एम गोइंग टू रॉक ये जरूर कॉमेंट करके बताइएगा आई विश यू ऑल द वेरी